हेलो एंड वेलकम, स्वागत का फॉरेक्स फॉर अनबॉक्स में। सो फ्रेंड, ओप्पो ने अपने के सीरीज के कुछ टाइम पहले दो फ़ोन लॉन्च किए थे और अब ओप्पो ने लॉन्च कर दिया अपना ओप्पो K10 5G। तो क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, तो सब कुछ बताओगे इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर देखने मिलते। तो शुरू करते हैं पहले फ़ोन की प्राइस की तरफ से, जिसके अंदर आपको 8GB और 128GB वेरियंट देखने मिल जाता है, जिसकी प्राइस है 17,500। तो पहले बात कर लेते हैं फ़ोन की बैक साइड से, जिसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने मिलेगी, जिसके अंदर आपको टॉप साइड में रेक्टेंगल में ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने मिलता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्राइस के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो इसकी बॉडी क्वालिटी है वो करना चाहिए था, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो पोल्स और बटन की बात करें तो टॉप साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक, बॉटम में 3.5mm का जैक, माइक टाइप सी पोर्ट और स्पीकर देखने मिल जाता है। राइट साइड में आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने मिलती है, लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम बटन देखने मिल जाता है, और सिम ट्रे में आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने मिलता है। तो बढ़ते डिस्प्ले की तरफ, जिसके अंदर आपको 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश देखने मिलता है। और ब्राइटनेस नीट की बात करें तो 6600 nits का आपको ब्राइटनेस नीट देखने मिलता है, और डिस्प्ले में आपको टॉप साइड में वाटर ड्रॉप नॉच देखने मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो एवरेज कहूँगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर आपको एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले देखने मिलता है। तो नेक्स्ट बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो ओप्पो K10 5G में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 एसोसिएट का एक 5G प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 8GB और 128GB वेरियंट देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ बॉक्स देखने मिलता है, और साथ में कस्टम UI 12.1 देखने मिलता है, और परफॉर्मेंस में फ़ोन में अच्छा कहूँगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैमरे की, जिसके अंदर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने मिलता है पहले का, जिसके अंदर आपको 48MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ कैमरा। और अभी पे फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो वाटर टॉप नॉच के साथ में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने मिलता है। ओवरऑल कैमरा में बात करूँ तो फ़ोन भी एवरेज कहूँगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर आपको 108MP का कैमरा देखने मिलता है। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए इस प्राइस रेंज पर, तो मैं इसके लिए मना ही करूँगा, क्योंकि इससे अच्छे बैटरी क्वालिटी में आपको मिलता है। तो फाइनल बात करते हैं इसके बैटरी की, जिसके अंदर आपको 5000mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, जिसके साथ में आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है, और ऑन पेपर कहा जा रहा है कि 30 मिनट में आपको 53% चार्ज करके देता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो मैं एवरेज फ़ोन कहूँगा। अगर ओप्पो K10 4G से कंपेयर करते तो ओप्पो K10 4G बेटर रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो और फ़ोन, कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर